हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग बेंडिंग ऑफ बीम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उसका जो एक डिटेल प्रोसीजर होता है वो कैसा होगा, किसी भी कंडीशन में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोगों को उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको जाकर के देख लीजिए ताकि आपको जो पूरा प्रोसीजर है बेंडिंग ऑफ बीम के प्रॉब्लम कैसे डील किए जाते हैं, कैसे उसका प्रोसीजर होता है, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें हम लोग बेंडिंग ऑफ बीम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से जो हम लोगों ने प्रोसीजर पढ़ा उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। देन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग जो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है उसका जो प्रोसीजर है और उसके जो एग्जाम्पल है वो भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, अ बीम ए बी सी सपोर्टेड एज शोन कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड पी एट द एंड ऑफ ओवरहैंग। कैलकुलेट दी परमिसिबल वैल्यू ऑफ पी इफ द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द मटेरियल इज 40 मेगा पास्कल इन टेंशन एंड 70 मेगा पास्कल इन कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने एक ओवरहैंग बीम दी हुई है। ओवरहैंग बीम हम जानते हैं कैसी बीम को बोलते हैं, अगर आपके पास कुछ अनसपोर्टेड लेंथ होती है बीम में तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास ओवरहैंग बीम है, ठीक है। नाउ अब इस ओवरहैंग बीम पे एक एंड पे आपको दिख रहा है पी लोड लग रहा है। क्रॉस सेक्शन जो है बीम का वो एक टी सेक्शन है। डायमेंशंस जो है उसके फ्लैंज और वेब के वो आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि अगर परमिसिबल स्ट्रेसेस 40 मेगा पास्कल है इन टेंशन एंड 70 मेगा पास्कल इन कंप्रेशन तो किस तरह से आप लोगों का पी की वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ पी। सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो ठीक है। तो जस्ट मैं स्टेप्स को एग्जीक्यूट करके दिखाते जाता हूँ एक एक करके। तो स्टेप नंबर वन हमारा होता है दी लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना सबसे ज़रूरी, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के हेल्प से हम लोग फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस क्रॉस सेक्शन का उसको फाइंड आउट करेंगे और उसके ही बेसिस पे फिर हम लोग जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी उसकी मैक्सिमम वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो पहला स्टेप होगा आपके पास लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर। नाउ सो इसके लिए हम लोगों को सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की नीड है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि हमारे न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरह से होगा कहीं पर, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की नीड है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक रेफरेंस सेट करते हैं। तो ये बन गया आपका एक रेफरेंस, इस तरह से मैंने एक रेफरेंस ड्रॉ कर दिया। दिस इज योर रेफरेंस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोग न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन फाइंड आउट करोगे, दैट इज दी वाई बार कोऑर्डिनेट, ये आप लोग फाइंड आउट करोगे। बस यहाँ पर आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू लिखूंगा मैं ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब ए वन ए टू कैसे निकालेंगे, आपको इसे डी सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आई सेक्शन भी हो सकता था। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग दो रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर देंगे इस तरह से। अगर आई सेक्शन होता तो मैं बता चुका हूँ इस तरह से, अगर आई सेक्शन अगर आपके पास है तो उसको हम लोग तीन रेक्टेंगल्स में उसको स्प्लिट कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आई सेक्शन है वो एनसीमेट्रिकल हो, यानी कि ये थोड़ा छोटा हो, ये थोड़ा बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है, बट प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका फर्स्ट एरिया और ये बन गया आपका सेकंड एरिया, ठीक है। सो ए वन की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर हम लोगों को, ए वन की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, तो ए वन विल बी 20 × 100, ओके, 20 mm क्रॉस 100 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2000 mm², है ना। देन ए टू कितना रहा है डायग्राम में देखते हैं, ये है आपके पास ए टू 80 × 20, ओके, 80 × 20 का है ये, तो ये हो जाएगा 1600 mm², ये हो गया। नाउ वॉट इज वाई वन एंड वॉट इज वाई टू, वाई वन जो है आपका इस एरिया नंबर वन का सेंट्रॉइड है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अवर रेफरेंस, एंड वाई टू जो है वो एरिया नंबर टू का सेंट्रॉइड है विथ रिस्पेक्ट टू अवर रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये वाला जो इसका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, और ये वाला इसका सेंट्रॉइड होगा, इंडिविजुअल सेंट्रॉइड्स, ठीक है। आप इसको सी वन लिख सकते हैं, सी वन जो है इस रेक्टेंगल नंबर वन का इंडिविजुअल सेंट्रॉइड है। वैसे ही ये जो सी टू है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस इंडिविजुअल रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अब कभी भी हम जानते हैं रेक्टेंगल का अगर मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास इस तरह से रेक्टेंगल है, ये इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है, तो ये अगर ये इसका बेस है बी और ये इसकी हाइट है एच, तो इसका सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है बी बाई टू
एंड एच बाई टू, ये इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा इसका, हम लोगों को सिर्फ वाई डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, यानी कि हाइट डिवाइडेड बाय टू करेंगे। हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास 20, तो ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ से यहाँ तक हो गया 10, ये हो गया 10 mm। देन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 80 है, तो जाएगा 10 प्लस 80 दैट इज 90 mm हो गया। तो y1 की वैल्यू आ गई आपके पास 90 mm, ओके। देन ये है सी टू, यहाँ से सी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 बाई टू दैट इज 40 mm, ओके। सो दैट इज 40 mm, क्लियर। नाउ वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हम लोगों को y बार की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप लोग को मिल जाएगा। तो ये जाएगा आप लोगों को 2000 इंटू 90 प्लस 1600 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 1600, ओके। सॉल्व करके देखते हैं इसको क्या आ रहा है। सो ये आ रहा है 67.78 mm सॉल्व करने पे, ओके। सो हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन है वाई बार, वो हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। नाउ इसके बाद के जो स्टेप्स हैं उसको आप, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, आप किसी को पहले किसी को बाद में ले सकते हो, लेकिन ये जो स्टेप है पहले और दूसरे स्टेप, ये आप लोगों के सबसे फंडामेंटल स्टेप्स हैं, इसमें जनरली आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ओके। सो हमारे पास लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गए, ओके। सो दिस वाई बार इज इक्वल टू, वाई बार इज इक्वल टू 67.78 mm, ओके। दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस, इसके बाद हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है बेसिकली दिस इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, जो मैंने एक्स एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उसके पैरेलल है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैं लिखूंगा आई एक्स एक्स वन, और सेकंड का लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स टू, और जो पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एन ए, और सिंपली यू कैन राइट एज आई, दिस विल बी रिटर्न एज समेशन ऑफ आई एक्स एक्स वन एंड आई एक्स एक्स टू, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। नाउ आई एक्स एक्स वन और आई एक्स एक्स टू को हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ओके। अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, वहाँ आई एक्स एक्स वन लिखने का कारण ये है क्योंकि जो एक्स एक्सिस है इनका, जो इनके लिए जो एक्स एक्सिस होगा, इनका इंडिविजुअल जो एक्स एक्सिस होगा पासिंग थ्रू देयर सेंट्रॉइड्स लाइक दिस, दिस विल बी पैरेलल टू द न्यूट्रल एक्सिस। दैट्स व्हाई आई एन ए जब लिख रहा हूँ तो आई एक्स एक्स वन एंड आई एक्स एक्स टू यूज हो रहा है, ना कि आई आई वन एंड आई वाई वाई टू, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, इसको निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल होगा, जो उसका यूज है वो प्रीवियसली मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे आप लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके किसी भी क्रॉस सेक्शंस के लिए आप लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस से कि जो विड्थ है फर्स्ट एरिया की, ठीक है, इसका जो विड्थ है फर्स्ट एरिया का जो विड्थ है दैट इज बी वन, और जो ये हाइट है दैट इज एच वन। सेकेंड एरिया का जो ये विड्थ दिख रहा है 20 mm, लेट अस से दिस इज बी टू, एंड जो हाइट है इसकी लेट अस से एच टू। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फॉर्म में, जैसे अब आई एक्स एक्स वन लिखते हैं। अब आप लोगों को जो लंबा पूरा कैलकुलेशन होता है उसको आप लोग को थोड़ा शॉर्ट में कंक्लूड करना होगा, है ना। सो आई एक्स एक्स वन जब आप लिखते हो तो वो क्या होता है, किसी भी दूसरे एक्सिस के बाद, अब आप लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होते हो तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले एक्सिस थ्योरम से निकालते हैं हम लोग, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन अबाउट इट्स ओन सेंट्रॉइड दैट विल बी बी वन एच वन क्यूब बाई 12, ओके। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया नंबर वन अबाउट इट्स ओन सेंट्रॉइड प्लस एरिया ए वन मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन these two axes, this is the x axis of, this is the x axis of area number one, this is the neutral axis, neutral axis के about हमको क्या निकालना है, moment of inertia निकालना है, ये दोनों के बीच का distance का square लिखना होगा। तो मैंने बताया previously क्या करना है, simply आपको y1 minus y bar का square कर देना है, कुछ भी इसमें ज़्यादा सोचने की need नहीं है। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका आई एक्स एक्स वन प्लस सिमिलर फैशन में लिखते हैं आई एक्स एक्स टू, ये हो जाएगा आपका बी टू एच टू क्यूब, एच टू क्यूब बाई 12 प्लस ए टू इंटू इंटू वाई टू माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ओके। नाउ जस्ट पुट
ऑल दी वैल्यूज, B1 की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें अभी MM में पुट कर रहे हैं, तो आंसर जो आएगा वो MM में आएगा, MM रेस्ट टू पावर 4 में आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा B1, B1 है आपके पास 100, सो 100 इंटू 20 क्यूब बाई 12 प्लस A1, A1 इज 2000, ओके सो 2000 इंटू Y1 दैट इज 90 माइनस Y बार दैट इज 67.78 होल स्क्वायर, ओके प्लस B2 इज 20 ओके इंटू H2 इज 80 क्यूब बाय 12 प्लस A2 दैट इज 1600 ओके इंटू Y2 दैट इज 40 माइनस 67.78 होल स्क्वायर, ओके तो उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को जो INA है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो न्यूट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है हमारे पास 314.22.24 mm^2, ओके ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है परमिसिबल लोड, ठीक है। अब लोड यहाँ पर अननोन है, लोड हमारे पास अननोन है, परमिसिबल लोड कैसे फाइंड आउट होगा, परमिसिबल लोड फाइंड आउट होगा आप लोगों का जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको दो क्राइटेरियाज दिए गए हैं, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन आप लोग को यहाँ पर गिवन है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो सिग्मा मैक्स की वैल्यू है उसको पी के टर्म्स में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। अभी पी के टर्म्स में कैसे आएगा, सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, MY/I, ठीक है। अब वहाँ एम क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। सो ये है आपके पास बीम, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ इसका, ठीक है। दिस इज योर रिएक्शन एट ए, आर ए, दिस इज रिएक्शन एट बी, आर बी, ओके, एंड दिस इज योर लोड पी, ओके, दिस इज योर लोड पी। नाउ जो डिस्टेंसेज हैं वो कुछ इस तरह से, दिस इज 2 meters, ओके, दिस इज 1 meter। नाउ समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0 होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए तो मिलेगा यहाँ से आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो आपके पास पॉइंट्स हैं ए बी सी उसमें से किसी भी एक के बॉर्डर अगर मैं मोमेंट लूंगा तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0, लेट अस टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए एज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा पी इंटू पी कैसा है, पी ए के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट कर रहा है तो जाएगा पी इंटू 3, ओके, और आर बी जो है वो ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट कर रहा है तो ये हो जाएगा आर बी, ओके, इंटू 2, ओके, आर बी इंटू 2 ये हो जाएगा आप लोगों के पास। तो ये हो गया जो यहाँ से आर बी आ रहा है, आर बी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पी आप लोगों को मिल रहा है, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ पी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके पास आर बी आ गया। नाउ इस इक्वेशन से आपको आर ए मिल जाएगा, यहाँ से आर ए आप लोगों को मिल रहा है पी माइनस आर बी, ओके, और ये हो जाएगा पी माइनस आर बी कितना आया, 1.5 टाइम्स ऑफ पी आया, तो आर ए आपको मिल रहा है यहाँ से माइनस 0.5 टाइम्स ऑफ पी। अब इस माइनस का क्या मतलब है, देखिए हम लोग जब भी कोई फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करते हैं तो हम सर्टेन अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम बनाया तो मैंने डाउनवर्ड लोड के रिस्पेक्ट में अपवर्ड डायरेक्शंस में दोनों सपोर्ट पर रिएक्शन ले लिए, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम किया, मैंने ये अज्यूम कर लिया भाई कि जो रिएक्शंस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब अगर मेरे अजम्पशंस के अगेंस्ट कोई चीज़ जाएगी, यानी कि इसके डायरेक्शंस अगर इस तरह से ना होकर के इसके अपोजिट हैं, तो डेफिनेटली जो मुझे सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ऑन सोल्यूशन ऑफ दिस फ्री बॉडी डायग्राम, उसमें फोर्सेस की वैल्यूज या रिएक्शंस की वैल्यूज के सामने निगेटिव आएगा। निगेटिव साइन ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि आपने जो एजम्पशन लिया है, ये जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया है, जबकि जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो इसका उलट है, इसका अपोजिट है। तो मैंने आर ए को कैसा लिया है, अपवर्ड लिया है, यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब आर ए अपवर्ड ना होकर के कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, तो इसको मॉडिफाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड, ओके, आर ए आ जाएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन 0.5 टाइम्स ऑफ पी, क्लियर, ये हो गया आप लोगों का पूरा कंप्लीट। नाउ अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब फाइंड आउट करना होता है तो उस कंडीशन में
उस कंडीशन में हम लोग को पहले तो ये देखना पड़ता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर कहाँ होगा, फिर उस पॉइंट के अबाउट हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन भी होता है कि आप लोग क्या करें, आप लोग एक सेक्शन ले लें, एक सेक्शन ले लें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करें, उस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखें, देन उसके बाद फिर आप लोग उसका डिफरेंशिएशन करके फाइंड आउट कर पाएँ कि किस पॉइंट पे आप लोगों को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। इससे होगा ये कि आप लोग जान पाओगे, है ना, बिना डायग्राम बनाए कि किस जगह पर आप लोगों का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। बट प्रॉब्लम ये होती है ऐसा करने पे, जब आपके नंबर ऑफ पॉइंट लोड लगे होते हैं तो आप लोगों का जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है, ठीक है, वो लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता है। इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर बहुत डिटेल में इस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग को सबसे अच्छा अप्रोच यही होगा कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके एक बार देखें, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बेसिस पर देखेंगे कि कहाँ पर आप लोगों के पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से स्टार्ट करेंगे, कैसा लोड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। कितना लोड लग रहा है आपके पास, 0.5 टाइम्स ऑफ पी लग रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे बिफोर ए, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको प्रोसीजर पूरा आता होगा अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोज़ है मेरे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करने के वो देखे हैं तो, ठीक है। सो जस्ट बिफोर ए मैं लूंगा तो उधर कोई लोड नहीं था, जीरो। एग्जैक्टली एट ए लूंगा मैं, एग्जैक्टली एट ए अगर लूंगा तो वहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ पी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली होता ये है कि कई अगर आप लोग रेफरेंसेस पे जाओगे तो आप लोग को ऐसा भी मिलेगा कि पॉइंट लोड के लिए जो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, बेसिकली जो वाला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, ये जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एंड डी वी बाई डी डब्ल्यू, ओके सॉरी ओके सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू W, ये जो होता है आपके पास, ये जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन वैलिड होता है आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। अगर आपके पास कंसंट्रेटेड लोड है तो कंसंट्रेटेड लोड के लिए ये इक्वेशंस डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर अ कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। तो फॉर सेफर साइड ऐसा भी करते हैं हम लोग कई बार कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि शेयर फोर्स एट एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, तो ऐसा ना बोल करके कई बार ऐसा भी बोला जाता है, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करो। जस्ट बिफोर दिस पॉइंट लोड एंड जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट लोड, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर भी फॉलो किया जाता है। मैंने आपको जस्ट बिफोर एंड एट बताया है ताकि आप लोगों के लिए न्यूमेरिकली ईजी हो चीज़ों को समझ पाना, चीज़ों को पिक्चराइज कर पाना। ऑल दो आप अगर चाहो तो जस्ट बिफोर द पॉइंट लोड एंड राइट आफ्टर द पॉइंट लोड का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो, आंसर विल बी द सेम, जस्ट बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली एट ए बोल सकते हैं या राइट जस्ट आफ्टर पॉइंट ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा शेयर फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लेफ्ट राइट डाउनवर्ड नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे, 0.5 पी चला जाएंगे हम लोग नीचे, सो दिस इज 0.5 टाइम्स ऑफ पी, ओके। नाउ ए से बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ए से बी तक के शेयर कोई भी लोड नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं, कोई पॉइंट लोड नहीं, तो शेयर फोर्स क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। सो जस्ट बिफोर बी भी अगर हम लोग जा रहे हैं, जस्ट बिफोर बी तब भी शेयर फोर्स की वैल्यू सेम है, सो दिस इज द सेम शेयर फोर्स, वैल्यू कितनी, 0.5 टाइम्स ऑफ पी है, ठीक है। नाउ जस्ट बिफोर पी देयर इज नो शेयर फोर्स, एट पी और यू कैन से जस्ट आफ्टर पी, सॉरी जस्ट आफ्टर बी देर इज अ शेयर फोर्स, कितना आ गया, आर बी आ गया अपवर्ड डायरेक्शन का, तो एट बी आपके पास आ गया आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट अपवर्ड पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपके पास ये कितना है, आर बी आपके पास है, आपके पास है ये 1.5 टाइम्स ऑफ पी, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.5 माइनस में और इधर प्लस में हम चले जाएंगे 1.5, तो हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 1, ओके पी, और सिंपली पी यू कैन से, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। नाउ इसके बाद सी तक जाएंगे, सो ए बी से सी तक कोई भी लोड नहीं है, देन अगेन सी पे जब एग्जैक्टली जाते हैं, जस्ट बिफोर सी तक जाएंगे, शेयर फोर्स विल बी द सेम, पी आएगी वैल्यू, एंड एग्जैक्टली जब हम सी पे जाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो पी माइनस पी अगेन दिस विल बी जीरो। सो ये आपके पास इस तरह से जो एस एफ डी है इसका मैंने कंप्लीट किया, ठीक है, ये हो गया एस एफ डी, ये वैल्यू जो है दिस इज पी, दिस इज पी, ओके एंड दिस इज माइनस पॉइंट, ये माइनस साइड में माइनस पॉइंट फाइव पी। नाउ देख सकते हैं शेयर फोर्स डायग्राम इस लोकेशन पे, दैट इज नथिंग बट पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी। इस पॉइंट बी पे आपके शेयर फोर्स डायग्राम में अपना साइन चेंज किया है, यानी कि यहीं पर पॉइंट बी पर ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर होगा, तो सिंपली हम लोग एम मैक्स यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, एम मैक्स विल बी एट पॉइंट बी, दिस इज अ कन्वेंशनल अप्रोच, ओके।
ऐसे कंडीशन में आपके पास कोई शॉर्टकट अप्रोच यहाँ पर जनरेट नहीं मिलता है। हम लोग अगर बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप लोग बना लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग को देख के आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से डिफरेंट कंडीशन में डायरेक्टली आप लोग मैक्सिमम वाइंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। सो देर इज नो शॉर्टकट लाइक थिंग्स। ओके चलो, सो एम एक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, बी पे, तो बी पे हम लोग मोमेंट लेते हैं। अब बी पे पूरे लोड का नहीं लेना है, कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है, सिली मिस्टेक है। बी पे अगर आप सारे लोड्स का मोमेंट ले लोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, जैसे मैंने बोला किसी एक पॉइंट के अबाउट सारे बीम का अगर आप लोड्स का मोमेंट ले लोगे, सो एज वी हैव अ कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो डेफिनेटली समेशन ऑफ एम क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सो आइदर आपको उसके लेफ्ट साइड का लेना है आइदर या फिर आपको उसके राइट साइड का, तो लेफ्ट या फिर राइट साइड से आप लोगों को लेना है मोमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ उसके राइट साइड से, सो बेंडिंग मोमेंट एट बी निकाल लेता हूँ, एम बी दैट विल बी इक्वल टू एम एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू, मैं इसके राइट साइड का ले रहा हूँ, तो हो जाएगा पी इंटू वन, पी इंटू वन। नाउ राइट साइड के ले रहा हूँ, तो राइट साइड से मतलब मैं इसका डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये हो जाएगा इस तरह से, तो ये आप बेसिकली ये निगेटिव है, ठीक है। बेसिकली कैसा, ये वाला जो बेंडिंग मोमेंट आएगा ये निगेटिव आ रहा है, तो आप आइदर सी से बी तक जा सकते हैं, यानी कि राइट साइड वाले पोर्शन से सी से बी, राइट टू लेफ्ट, और अगर आप चाहें तो ए से बी तक भी जा सकते हैं, दैट इज लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं हमेशा। तो मैंने अभी राइट टू लेफ्ट फॉलो किया, तो राइट टू लेफ्ट पी कैसा जा रहा है, बी के अबाउट क्लॉक वाइज रोटेशन दे रहा है, तो क्लॉक वाइज होता है निगेटिव एज पर द राइट टू लेफ्ट। ओके सो ये हो जाएगा माइनस पी न्यूटन मीटर। ओके माइनस पी न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ वन मीटर है ना। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो पी न्यूटन मीटर, ओके, और आप इसको लिख सकते हो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ओके क्लॉकवाइज, और यू कैन राइट हॉगिंग, ओके। नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है जो बी पैक्ट कर रहा है दैट इज अ हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, क्लियर। तो नेगेटिव डायग्राम आप ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ इसमें हम लोग अभी तक जितने भी डायमेंशंस यूज किए हम लोगों ने सारे एमएम में है, तो इसको मैं एमएम में कन्वर्ट करता हूँ, जाएगा पी इंटू टेन टू पावर थ्री न्यूटन एमएम। ओके ये हो गया आपके पास एम मैक्स की वैल्यू। नाउ सिग्मा मैक्स विल बी एम मैक्स, ओके इंटू इंटू वाई मैक्स डिवाइडेड बाई आई एन ए। ओके वाई मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। नाउ हमारे पास ये है आप लोगों के पास वाई बार, सो अगर मैं ये न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर की डिस्टेंस की बात करूँ, सो ये न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास वाई बार, ठीक है, सिंपल ये डिस्टेंस वाई बार। और अगर आप लोग न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर के डिस्टेंस की बात करोगे तो वो हो जाएगा आप लोगों का दिस टोटल डेप्थ, दैट इज 80 प्लस 20 100 माइनस 67.78। ओके देखते हैं 100 माइनस 67.78, ओके सो दिस इज 32.22। ओके सो डेफिनेटली एज पूरे बीम पे तो एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू हम लोग देख चुके हैं कितनी है ना, और y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ये नहीं है, टॉप फाइबर इज नॉट y मैक्स, जो बॉटम फाइबर है दैट इज लोकेटेड एट y मैक्स, यानी कि इसकी डिस्टेंस ये जो बॉटम फाइबर है दैट इज फार्देस्ट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ओके सो दिस विल बी द y मैक्स, ओके y मैक्स मिल, तो यानी कि हाईएस्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस यहाँ पर आपके आने वाले हैं, ठीक है यहाँ पर आने वाले हैं। ओके नाउ नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो टेंशन में अलग है और कंप्रेशन में अलग है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा। अब इसके लिए आपको सैगिंग और हॉगिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हमने जो निकाला है बी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो कैसा है, वो आपका हॉगिंग है, निगेटिव है, यानी कि हॉगिंग है वो। हॉगिंग में क्या होगा, ऊपर के फाइबर में टेंशन क्रिएट होगा और नीचे के फाइबर में कंप्रेशन क्रिएट होगा। तो हम लोगों को ऊपर जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो भी निकालना होगा और जो नीचे स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो भी निकालना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इसमें हम लोगों को एक जगह का नहीं निकालना, हमको किसका निकालना, हमको दोनों जगह का निकालना होगा। तो हम लोगों को सिग्मा टी निकालना होगा और सिग्मा सी भी निकालना होगा, तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए निकालते हैं। तो सिग्मा टी अगर लिखूंगा मैं,
sigma t max maximum tensile stress. So this will be m, that is p, okay, p into tensile fiber कौन सा है, ये वाला है tensile fiber, okay, tensile fiber ये, so p into 10 to power 3, this is your bending moment, okay, into y that is 32.22 divided by I, that is 314.22.24, okay, this is the maximum induced tensile stress, इतना stress पैदा हुआ इसमें जो load लगा उसके कारण, ठीक है. Now this must be less than or equal to the permissible tensile stress. Permissible tensile stress कितना है, material का strength कितना है tension में, ये आपको है 40 megapascal, यानी कि 40 newton per mm square. 40 megapascal is nothing but 40 newton per mm square. तो हो जाएगा आपके पास 40. Okay, so this value must be less than 40. Okay, now for compression, sigma c max, I can write p into 10 to power 3 into compression का हो रहा है, compression हो रहा है bottom fiber में. ओके, बॉटम फाइबर कंप्रेशन, बॉटम फाइबर के लिए y की वैल्यू क्या है, 67.78 डिवाइडेड बाय 314.22.24 एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 70. ओके, तो लिमिटिंग केस ले लेंगे, हमको लिमिटिंग केस लेंगे तो यहां पर क्या ले लेंगे, इक्वल टू 40 ले लेंगे और यहां पर इक्वल टू 70 ले लेंगे और इसके बेसिस पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो P की वैल्यू है वो कितनी आ रही है. तो कैलकुलेट करने पे हमको P की दो वैल्यूज मिल रही है, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 3900.96 न्यूटन और जो दूसरी वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, दैट इज 3245.14 न्यूटन. तो हमारा परमिसिबल लोड की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी दी परमिसिबल लोड. सो परमिसिबल लोड P परमिसिबल और सिंपली द वैल्यू ऑफ P दैट वी शुड टेक शुड बी इक्वल टू 3245.14 न्यूटन. जैसे कि हम जानते हैं कि जब आप डायमेंशंस की बात आएगी और आपके पास दो डायमेंशंस मिलेंगे आपको अलग अलग क्राइटेरिया से, तो कभी भी जो लार्जर साइज होता है उसको हम प्रीफर करते हैं और अगर आपके पास लोड की बात है तो जो आपके पास स्मॉलर वैल्यू ऑफ लोड होता है उसको प्रीफर करते हैं. इसका क्या मतलब है, देखिए अगर जैसे कि आप इसको चूज कर लेते हैं एज आंसर, ठीक है, आपका इस अगर आप इसको चूज करते हो तो आप क्या कहते हो कि मैं कितना लोड अप्लाई करूंगा, 3900 दैट इज 3900 न्यूटन्स का मैं लोड वहाँ पर, या फिर 3.9 किलोटन आप कह सकते हैं उसका लोड मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगा. अब ये लोड कहाँ से मिला, टेंशन में से मिला है, टेंशन के क्राइटेरिया से मिला है. सो टेंशन में हमारा जो ये बीम है वो इतना लोड कैरी कर सकता है विदाउट फेलियर, इतना सस्टेन कर लेगा ये. बट कंप्रेशन की अगर बात करें, कंप्रेशन से जो हम लोगों को क्राइटेरिया से हम लोगों को जो आंसर मिला है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बीम है वो इतना लोड कैरी कर सकता है, इससे ज़्यादा अगर कैरी करेगा तो डेफिनेटली उसमें क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. तो इससे ज़्यादा लोड अप्लाई करने पे, इस वैल्यू से ज़्यादा लोड अप्लाई करने पे फेल हो जाएगा, ठीक है. तो अगर आपने ये लोड अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली जो मेंबर है, यानी कि जो टेंसाइल मेंबर है, टेंसाइल मेंबर पोर्शन कौन सा है, ऊपर वाला है, ठीक है, जो टेंशन साइड है उधर फेलियर आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोग ये वैल्यू अप्लाई करते हो. बट जो कंप्रेशन साइड है, यानी कि जो बॉटम साइड है, जो बॉटम फाइबर है, वहां पर कंप्रेशन में फेलियर हो जाएगा क्योंकि कंप्रेशन कितना सह सकता है, सिर्फ ये 3900 बस सह सकता है, ठीक है. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. आई होप आप लोग को कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बहुत दिनों बाद जो है वीडियोज मैंने यहाँ पर डालना चालू किए हैं और ये अभी फ्रीक्वेंटली वीडियोज आपके आते रहेंगे. डिफ्लेक्शन के टॉपिक्स का देखेंगे, टॉर्शन एक्सेट्रा देखेंगे, तो जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जल्दी जल्दी मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है. एज आप देख रहे थे कि प्रीवियसली हम लोग पीडीजीडी कोर्सेज के कारण हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ बिजी हो गए थे और मैं आप लोगों के सामने आ नहीं पा रहा था, ज्यादा आप लोग से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. सो आई होप आप लोग उन चीजों को कंसिडर करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे. ओके, अगर आपको लेक्चर समझ आया और अगर आपको मुझे आपको लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू.